ओवरी में सिस्ट, ये एक बहुत ही ऐसी डरावनी सी बात है. जैसे पेशेंट को पता चलता है कि उसकी ओवरी में सिस्ट है, वो बहुत डर से जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन उनके माइंड में ये आता है, पहला सवाल, कि क्या ये कैंसर है या नॉन कैंसरस है. अगर कैंसरस सिस्ट है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज जो ओवेरियन कैंसर होता है वो बहुत ही फल्मिनेंट होता है, मीन्स बहुत तेजी से बढ़ता है. ऐसे केसेस में अगर ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हो जाता है और काफ़ी बड़ा सिस्ट होता है और पेशेंट को प्रॉब्लम कर रहा है, या जो ओवेरियन सिस्ट की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कैंसरस होती है, तो अक्सर पेशेंट को अबॉर्शन के लिए जाना पड़ता है एंड सिस्ट भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट के लिए, लाइफ के लिए वो घातक होता है. लेकिन ऐसी कोई सिस्ट होती है, या अगर बॉर्डर लाइन कैंसर होता है और वो प्रेगनेंसी के साथ खिंच जाता है, तो उस केस में अबॉर्शन नहीं करते हैं. हाँ, पेशेंट को जरूर सिम्टोमेटिक, मीन्स उनको प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पेन होता है पेशेंट को और तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं. मीन्स पेशेंट को बहुत बार प्रेगनेंसी के टाइम में एडमिट होना पड़ता है, एंड पेशेंट को ये हिदायत दी जाती है कि अगर उसको एक्यूट पेन होता है, मीन्स अगर सिस्ट टॉर्जन हो गया, मीन्स सिस्ट अपने ऊपर घूम जाता है, उस केस में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तब उस केस में हम सर्जरी करते हैं. बहुत सारे केसेस पेशेंट जो है सो अपना प्रेगनेंसी पूरा लास्ट तक ले जाता है ओवेरियन सिस्ट के साथ. अगर नॉन कैंसरस सिस्ट है तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, एक्सेप्ट कि पेशेंट को पेन होता है और टॉर्जन या हीमरेज का रिस्क होता है. अगर ये रिस्क अवॉइड हो गया या पेशेंट को टॉर्जन नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी पूरी 9 महीने खिंच जाती है. सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट की वजह से बेबी के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मीन्स बेबी को उससे कोई अंदरूनी खराबी नहीं होती है. हाँ, वो सिस्ट ऐसा कंडीशन क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से अबॉर्शन होने का रिस्क होता है, अगर बहुत पेन होता है. बहुत बार अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेन होता है पेशेंट को, तो हम बच्चे के साथ भी सर्जरी कर सकते हैं, मीन्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. बच्चा अंदर पेट में रहता है तो भी हम कर सकते हैं, एंड बच्चा उस केस में भी बच जाता है, सैलवेज हो जाता है. ऊपर से हम दूरबीन डाल करके आपकी सिस्ट को निकाल देते हैं अगर सिस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, एंड बच्चे के साथ आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने खिंच जाती है. ये रिस्की होती है, लेकिन इसमें रिजल्ट्स होते हैं. हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और किए हैं जिसमें सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी थी एंड प्रेगनेंसी पूरी 9 महीने खिंची सर्जरी करने के बाद भी.